Hello everyone. Today in this video I want to tell you about what is MRTS. ये जो term है MRTS, this basically comes under your traffic and transport, which you will study in architectural study. Now coming towards it, MRTS, the full form of MRTS is Mass Rapid Transit System. जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है, मास मतलब क्या होता है, जब ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब मास पर्सन्स की बात की जाए, जो ग्रुप में पर्सन्स की बात की जाए, ज़्यादा लोगों की बात की जाए. रैपिड मतलब तेज, एंड सिस्टम तो ट्रांसपोर्ट में जब कोई भी चीज़, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब भी हम ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स को कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको हम लेके जाते हैं, दैट कम्स अंडर MRTS. So what is MRTS? Mass Transit System refers to public shared transportation such as train, buses, ferries, etc. Commute a large number of passenger from origin to destination on a no reserve basis and in lesser time. It is also termed as public transport. तो जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं वो सारे के सारे MRTS के अंडर आते हैं. तो इसमें वही था कि लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन से, ओरिजिन ऑफ डेस्टिनेशन से कम टाइम में उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने हैं. जो भी उसमें, जो भी जैसे हमारी ट्रेन्स, बसेस, फेरीज, जो भी चीज़ें यूज होती हैं, डैट कम्स अंडर MRTS. नाउ द थर्ड पॉइंट स्टेट्स दैट Rapid transit is an important form of mass transit such as subways and surface light rail systems designed for commuting intercity or intra-city. Mass transit may be based on fixed route system such as subway trains, metros, or non-fixed route system such as buses. As if it's very clear in this that फिक्स रूट्स उनके लिए होंगे, जैसे ट्रेन्स वगैरह के लिए हमारे फिक्स रूट्स होते हैं, सर्विस वगैरह के लिए हमारे फिक्स रूट्स होते हैं, बट बसेस हो गया आपकी, इनके लिए कोई भी हमारे फिक्स रूट नहीं होते हैं. हाँ, MRTS में आपके खुद की व्हीकल्स नहीं आती हैं, बिकॉज वो एक प्राइवेट चीज़ में आ गई तो वो नहीं आएगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना भी हम यूज़ करते हैं वो MRTS में आता है. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इस पे अगर हम आते हैं, तो ये क्या है, मोर इकोनॉमिकल, इको फ्रेंडली एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मोस्ट कॉम्पिटेंट वे ऑफ रिड्यूसिंग द एवर ग्रोइंग ट्रैफिक कंजक्शंस इन द डेवलपिंग सिटी. जब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी ट्रैफिक में कोई भी कंजेशन नहीं होगी. जितना अगर मैं एग्जांपल लूँ, चंडीगढ़ एंड दिल्ली के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो चंडीगढ़ में क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है, लोग अपने व्हीकल्स तो चलो यूज़ करते ही हैं, बट ज़्यादा प्रेफर करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को. तो उसकी वजह से क्या होता है कि ट्रैफिक का कंजेशन नहीं होता है. बट दिल्ली में क्या है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ ज़्यादा नहीं करके अपने खुद के व्हीकल्स को यूज़ करते हैं कि हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाएँ, या इस वजह से वहाँ पे कंजेशन ज़्यादा होता है. तो इसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को ही यूज़ करने के लिए हमने फिर बसेस हो गई, मेट्रोज हो गई, ये सारी चीज़ें हुई हैं कि कंजेशन को कंट्रोल कर पाए, ठीक है. देन एडवांटेज ऑफ स्मॉलर राइट्स ऑफ वे एंड डेवलपिंग लेसर अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर हाईवेज एंड रोड्स. अब एडवांटेजेस हैं, ऑब्वियसली बात है, हर एक सिस्टम के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. इसका डिसएडवांटेज, इसका एक ड्रॉबैक ये है, द ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम इज द नेसेसिटी टू ट्रेवल ऑन अ फिक्स्ड रादर देन एन इंडिविजुअली सेलेक्टेड शेड्यूल एंड टू एंटर एंड डिसएम्बार्क फ्रॉम द सिस्टम ओनली एट सर्टेन डेजिग्नेटेड लोकेशंस. मतलब कि ड्रॉबैक इसका यही है कि कोई भी एक फिक्स रूट, जैसे सबको जो भी है कि फिक्स रूट पे ट्रेवल करना है, डोर टू डोर आपको सर्विस नहीं इसमें हो पाती है ना. एक फिक्स रूट है कि आपको यहाँ, इसके आगे मतलब अगर आप इस मेट्रोस में हैं तो आप एक स्टेशन पहुँचे, उसके आगे का आपको
खुद की कन्वीनियंस का देखना पड़ता है। लेकिन अपने व्हीकल में क्या है कि आपने अपने घर से स्टार्ट किया और अपने ऑफिस तक गए, देन आप वापस आ सकते हो। बस इस सिस्टम में MRTS में यही ड्रॉबैक है कि फिक्स रूट की वजह से ट्रेवल शेड्यूल इंडिविजुअल का एक सिलेक्टेड शेड्यूल पे वो नहीं कर पाता है। ठीक है जी। देन मास ट्रांजिट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के मास ट्रांजिट्स होते हैं, हैवी रेल और लाइट रेल। हैवी रेल्स क्या होती हैं? हैवी रेल्स आर वन ऑफ द बेटर फॉर्म ऑफ मास ट्रांजिट। एज हैवी रेल्स क्या हैं वो, जिसमें लाइक हैवी रेल्स में आपकी आ गई मेट्रोज वगैरह, ये हैवी रेल्स हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि दे आर फास्ट, दे विल नॉट इंटरफेयर विद द अदर ट्रैफिक एज दे रिक्वायर सेपरेट अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो हैवी रेल्स की आपको पिक्चर्स भी हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ MRTS। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है MRTS की? फर्स्ट वन इज मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स एट क्विक इंटरवल्स। ये एकदम क्लियर हो रहा होगा। देन नेक्स्ट इज हाई कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैपेसिटी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ PHPDT, दैट इज पी कार पर डायरेक्शन ट्रैफिक। थर्ड वन इज क्विक एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम स्पीड अटेंड फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वन हायर स्टैंडिंग कैपेसिटी एज कंपेयर्ड टू सिटिंग कैपेसिटी। द एवरेज स्टैंडिंग टाइम ड्यूरिंग द जर्नी इज लेस देन 20 मिनट्स। हाँ, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी जैसे मेट्रोज वगैरह में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सिटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा स्टैंडिंग कैपेसिटी को देते हैं। उसमें क्या होता है, इतना हम ड्यूरेशन रखते हैं कि नॉर्मल पर्सन जितनी देर के लिए खड़ा हो सके, 20 मिनट सब बंदे खड़े हो सकते हैं। तो डेट इज़ द थिंग कि उसमें क्या होता है कि ज़्यादा आपकी गैदरिंग हो सकती है, हम ज़्यादा पर्सन एक्यूमुलेट करके आप एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं। ये सारे सिस्टम्स ना फॉरेन में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आगे मैं आपको और चीज़ें बताऊँगी। नेक्स्ट इज कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट आइदर बाय नेचुरल और फोर्स वेंटिलेशन, कंट्रोल ऑफ CO2 along with air conditioning, frequent service or less waiting time at railway station. इससे क्या होता है कि हाँ, जैसे आपको भी पता है मेट्रोज में HVAC से हम वेंटिलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वेटिंग टाइम हम आपका कम हो जाता है, रेलवे स्टेशन पे आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता है। तो हैवी ट्रांसपोर्ट्स की और अंडर MRTS में ये एडवांटेजेस हो जाते हैं। ठीक है जी। देन नेक्स्ट कम्स योर या इम्पैक्ट्स एडवांटेजेस ऑफ मास ट्रांसिट। अब इम्पैक्ट्स किस किस पे है? अब ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ पे इम्पैक्ट होगा। एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। एंड अब देखते हैं किस किस पे है। तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है कि मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली देन अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ऑब्वियसली बात है, जब आप अगर रेलवेज वगैरह के अपना ज़्यादा व्हीकल्स नहीं अपने अपने चलाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, तो पॉल्यूशन भी कम होगा और ये सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को फ्रेंडली हो जाएगा। देन प्राइवेट व्हीकल्स एमिट अबाउट ट्वाइस एज मच कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड देन पब्लिक व्हीकल्स। एज आई टोल्ड यू, mass transit reduces the number of cars on the roads, which in turn reduces the pollution caused by the individual cars. Next impacts is on economical impact of mass transit. Improve the useful and efficiency of the public transit system, as well as result in increased business for commercial developments, and thus serves to improve the economy of the country. Mass transit system offer considerable saving in labor, material and energy over private transit system. Allow a higher amount of load to be transported to far away destination in lesser time because of its reasonable capacity than private vehicle. Because of their large capacity offering them to carry high efficient engines, they also help in saving fuels. ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ में इम्प्रूव आपकी सेव हो रहा है। जब आप ज़्यादा बंदों को एकोमोडेट करके, अगर ज़्यादा बंदे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो आपका फ्यूल की सेविंग हो रही है। ठीक है, इसमें आपकी सेविंग किसमें? लेबर, मटेरियल, एनर्जी,
ऑब्वियसली बात है, इन सब चीज़ों की भी सेविंग हो रही है, तो ये इकोनॉमी को भी इफेक्ट करता है. देन रिड्यूसेस कंजेशन, या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द मेन आइडिया बिहाइंड मास ट्रांजिट इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड बाय प्रोवाइडिंग अ लार्ज फैसिलिटी विच कैरीज हायर नंबर ऑफ पैसेंजर्स, थस एलिमिनेटिंग कंजेशन. ये तो आपको समझ में, हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज सेव्स टाइम. मास ट्रांजिट रिड्यूसेस द ट्रेवल टाइम टू अ ग्रेट एक्सटेंट एज इट मूव्स एट हाई स्पीड एंड स्टॉप्स ओनली एट स्पेसिफिक स्पॉट्स. देन कॉस्ट इफेक्टिव. मास ट्रांजिट इज कंपेरेबली चीपर देन अदर मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स. हाँ, ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि मास ट्रांजिट सिस्टम्स सस्ते होते हैं. अगर आप अपना व्हीकल यूज़ करोगे, उसमें पेट्रोल का खर्चा अलग है, ठीक है, मेंटेनेंस का खर्चा अलग से आएगा, और ज़्यादा बंदों को आप लेके भी नहीं. और जब मास्क अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे तो नॉर्मल फेयर लगता है. जैसे आपको भी पता है बसेस का फेयर कितना ज़्यादा चीप होता है. तो दैट इज़ द मेन पॉइंट. दैट्स ऑल अबाउट द MRTS. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.